हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप सिंपल मिल्की वैक्स से कैसे हार्ड हेयर्स में वैक्स कर सकते हैं। तो मेरी क्लाइंट की 2 मंथ्स की ग्रोथ है, तो उसके बाद सबसे पहले हमने एस्ट्रोजेंट लोशन से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। इनके हेयर्स की डायरेक्शन वन साइड ऊपर है और वन साइड नीचे। तो सबसे पहले हमने जो हमारे क्लाइंट के हेयर्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, वहाँ वैक्स की एप्लीकेशन की है। बिल्कुल भी पसीना नहीं होना चाहिए जब आप वैक्स की एप्लीकेशन करते हो तो। और उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगानी है, अच्छे से प्रेस करना है और क्लाइंट को स्टच करने के लिए भी बोलना है, कुछ भी स्टच करना है और वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए, काफ़ी हद तक इनके हेयर्स रिमूव हो गए हैं। यही प्रोसीजर नीचे की साइड भी अपनाना है। आपने वैक्स की एप्लीकेशन करनी है, थोड़ा सा पाउडर और लगा लें क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे में स्वेट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो वैक्स की एप्लीकेशन अब हम जो नीचे के हेयर्स हैं वहाँ नीचे की साइड कर रहे हैं और फिर हम लगाएंगे वैक्सिंग स्ट्रिप्स और अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स की स्ट्रिप को पुल कर देंगे। अब इनके जो हेयर्स हैं वो वैक्सिंग करवाने के बाद भी हार्ड ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल वैक्स करवाते हैं। नॉर्मल वैक्स में क्या होता है कि आपके हेयर्स की जो सिचुएशन है सेम ही रहती है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके नॉर्मल वैक्स ना करवा के रिका वैक्स करवाते हैं तो आप ऐसे में आपके जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट भी आएंगे और हेयर गेन भी कम होगा और बाल भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। पर क्लाइंट की जैसी विश होती है, हमें वैसा ही काम करना पड़ता है। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे रिका वैक्स नहीं करवानी, आप मुझे नॉर्मल वैक्स से ही वैक्स कर दो। और जो जिस हिसाब का काम करवाता है वैसा ही काम हमें करना पड़ता है क्योंकि सबका अपना अपना बजट होता है तो वो उस हिसाब से ही काम करवाते हैं। तो देखिए, बातें करते करते इनकी वैक्स हो चुकी है पर रिका नहीं थी ये वैक्स। फिर भी देखो, थोड़े बहुत हेयर्स फिर भी रह गए हैं। तो अब फिर से वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे और जो एक्स्ट्रा हेयर्स रह गए हैं उनको भी रिमूव करेंगे। जबकि हम रिका वैक्स से जब वैक्स करते हैं तो ऐसा नहीं होता, हमें बार बार रीएप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती और हेयर्स काफ़ी इजीली निकल जाते हैं क्योंकि इनके हार्ड हेयर्स थे। इसलिए मैंने ये बोला है कि जिनके हार्ड हेयर्स हैं वो रिका वैक्स करवाएँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें ताकि आपको इससे बेनिफिट हो, आपके हेयर की ग्रोथ कम हो जाए और हेयर जो आएँ वो सॉफ्ट आएँ और थोड़ा लेट आएँ, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इनके एक साइड के अंडर आर्म्स की वैक्स हो चुकी है, हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम लगा रहे हैं आफ्टर वैक्सिंग जेल की एप्लीकेशन करने से किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता और क्लाइंट को रिलैक्स फील होता है। अब हम आ गए सेकेंड साइड। अब जब हम फर्स्ट साइड वैक्स करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हम दोनों साइड टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब फर्स्ट साइड वैक्स होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दर्द की वजह से इस साइड में स्वेटिंग पहले से भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इतना पेन होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, पेन भी होता है और थोड़ा सा डर भी लगता है कि हाँ पेन होगा तो स्वेट आ जाता है। तो पहले दोनों अंडरआर्म्स को क्लीन नहीं करना, पहले एक ही वैक्स कर लें पूरी, फिर दूसरे अंडरआर्म्स को अच्छे से क्लीन करें, फिर पाउडर की एप्लीकेशन करें। पाउडर की एप्लीकेशन आपने करने के बाद पहले अच्छे से चेक कर लेना है कि क्लाइंट को बिल्कुल भी स्वेट ना हो। फिर हमने वैक्स की एप्लीकेशन की है नीचे की साइड। अब इनके हेयर्स का हमें पता चल गया था काफ़ी हार्ड है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेयर्स एक ही बार में निकल जाएं, ज़्यादा बार बार स्ट्रिप की वैक्स की एप्लीकेशन ना करनी पड़े। तो देखिए, काफ़ी हद तक इनके हेयर्स रिमूव हो गए हैं। अब दूसरी साइड भी हमने वही प्रोसीजर अपनाना है कि वैक्स की एप्लीकेशन हमने करनी है ऊपर की साइड क्योंकि नीचे के हेयर्स इनके नीचे की साइड थे और ये दूसरे साइड के हेयर्स हैं वो ऊपर की साइड है। तो वैक्स की एप्लीकेशन की है हमने ऊपर की साइड और स्किन को अच्छे से स्टच कर लेना है। और वैक्स की एप्लीकेशन करने के बाद आपने लगानी है वैक्सिंग स्ट्रिप। वैक्सिंग स्ट्रिप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है क्योंकि बाल हार्ड है तो आपने इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना कि बस लगाया और पट्टी खींच दी। अगर बाल सॉफ्ट होते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्लाइंट को भी स्टच करने के लिए बोले और कुछ भी स्टच करते हो वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दें। तो काफ़ी हद तक इनकी सेकंड साइड के हेयर्स भी रिमूव हो गए थे पर इसमें भी फर्स्ट साइड की तरह
वैक्स लगानी पड़ी थी, पर फिर भी अगर आपके हेयर हार्ड आते हैं तो आप ऐसे में रिका वैक्स को अपनी चॉइस में रखें ताकि आपको बेनिफिट हो। बाकी क्लाइंट की विश होती है, जैसे जो करवाना चाहे। अब लगा रहे हैं आफ्टर वैक्सिंग जेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।